हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका भी सीधी सब कुछ चैनल में। मेरा नाम है वसीम अहमद खान, फिर से प्लम्बिंग का वीडियो लेकर। दोस्तों ये वीडियो जो है, ये जो मैं खड़ा हूँ बाथरूम में, ठीक है, यहाँ पर पाइप लेकर खड़ा हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा, पूरा मजा आएगा। जैसे कि ये आपका बाथरूम है, बाथरूम के अंदर आपका क्या होता है, कंसील्ड पाइप होता है जो दिखता नहीं है, जैसे कि यहाँ सावर वगैरह जो भी लगा है। तो अगर आपका ड्रिल मशीन में ड्रिल हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो, बहुत सारा सिस्टम है पंचर रिपेयरिंग करने का। अगर आपको शॉर्ट टाइम में करना है और कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डर नहीं है, ऐसे सिस्टम से करते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, आप ड्रिल देख रहे हो, ये देख लीजिए पानी निकल रहा है इसे, मतलब ऐसे ड्रिल, अभी तो मैं यहाँ ड्रिल नहीं करूंगा, कहाँ पाइप है, मैं क्या करूंगा, इस ड्रिल को आपको पानी चालू करके दिखाऊंगा, इसे बंद कैसे करना है बहुत ही जल्दी तरीके से। सबसे पहले देख लीजिए इसका प्रेशर कितना है, ठीक है, और क्या मेटेरियल लगाने वाला हूँ वो भी आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, इतना प्रेशर है। अभी मैं इसमें क्या करने वाला हूँ आप लोगों को, यहाँ पर जो है कुछ नया मेटेरियल है जो 2 मिनट में काम करेगा, सीरियसली 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे काम से करिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं जो इंटरनेट से जो मंगवाया हूँ, ऑनलाइन से मंगवाया हूँ, वो चीज फिटिंग करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये ही आपको गर्म करके इसके अंदर जो है, ये जो ड्रिल है आप देख रहे हो, इस ड्रिल के अंदर फिटिंग करना पड़ेगा। इसका जो है मैं लिंक दे दूंगा, आप परचेस कर सकते हो। और ये जो है आप एक बार खरीदेंगे ना, आपका 1 साल के ऊपर चल जाएगा। मतलब बहुत सारा चीज बताने वाला हूँ, सिर्फ ड्रिलिंग पाइप नहीं, और भी बहुत सारा चीज है, वीडियो बने रहिए, आप लोगों को पता चलेगा। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, फाड़ लेता हूँ मैं। ये जो है देख लीजिए, ये रबर जैसा है, ओके, इसे आपको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करिए और इसके अंदर, मतलब ज्यादा मत अंदर ठेल दीजिएगा, यहाँ पर आपको देख लेना है कितना जाना चाहिए, थोड़ा सा जाने दीजिएगा, फिर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी प्रोसेसिंग नहीं बताने वाला हूँ, सबसे पहले जो है मैं इसे मतलब फिटिंग कर लेता हूँ, सेटिंग कर लेता हूँ, और लीकेज आप लोगों को टेस्टिंग करवा देता हूँ। उसके बाद जो है अच्छा सी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी मजा आएगा क्या क्या करना चाहिए। ओके, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। तो आप देख लीजिए, ये जो है मेरा 5 मिनट आपको सूखने देना है, और हो सके तो ना यहाँ पर रब करना है, ठीक है। जैसे कि ये देख लीजिए बंडिश कैसे किया हूँ, मतलब ठीक है, अभी बहुत सारा चीज बताना ना बाकी है। और यहाँ पर देख लीजिए आप, इसमें पानी आ रहा है, ऐसा नहीं कि जो पानी नहीं आ रहा है, आप लोगों को बताऊंगा आएगा नहीं पानी, ठीक है, जाली लगा हुआ है, मतलब फुल प्रेशर है। अच्छा, जाली निकाल देता हूँ, चलिए इसे प्रेशर में दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, अब मैं इसका पूरा सेटिंग करके रखा हूँ, किसी का टाइल्स तो नहीं खराब कर सकता, ड्रिल करूंगा। अभी कहीं ड्रिल नहीं हुआ तो मुझे ऐसे आप लोगों को समझाना पड़ रहा है, ताकि आप लोग ऐसे कभी भी ड्रिल होता है तो कहीं पे भी आप लोग इस तरीके से जल्दी कर सकते हो। और इसका परचेस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा। ओके, आप देख लीजिए इसका सिस्टम, कहीं पे यहाँ पानी वानी तो नहीं है, नहीं तो आप बोलेंगे लीक हो रहा है। चलिए कपड़े से पोंछ लेता हूँ, अभी सूखा है बिल्कुल। ओके, अब पानी चालू करता हूँ, आवाज सुनिएगा। आप देख लीजिए पानी चालू है, और यहां पर आप देख लीजिए लीक बिल्कुल नहीं हो रहा है, पानी बिल्कुल ही चालू है। ये आप मत बोलिएगा जो पानी चालू नहीं है, कोई फ्रॉड कर रहा हूँ, ये नहीं। अब इसमें एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो है आपका सिर्फ ठंडा पानी में आप काम कर सकते हो, मतलब गर्म पानी में फिटिंग कर सकते हो, लेकिन गर्म पानी ही एनी टाइम आएगा तो इसमें शायद प्रॉब्लम हो सकता है, ये चीज का है। लेकिन ठंडा पानी में आपका लाइफ टाइम हो जाएगा। लेकिन और भी 2 सिस्टम बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए एक ड्रिलिंग पाइप है, देख लीजिए मुझे फिंगर मेरा दिखाई दे रहा है अंदर। ओके, तो यहाँ पर आपको हो सके तो हल्का सा रब कर दीजिए। ओके, ऐसा हल्का सा रब कर देना है। उसके बाद इस लैंप को लेना है, अगर हो सके तो आप कैंडल भी बोल सकते हो इसे, एक्चुअली मैं कैंडल नहीं है, ये एक प्लास्टिक वायर है जैसा, ठीक है, इसे आपको गर्म कर लेना है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे हिसाब से यूज करना है, वो मैं आपको इसी में समझाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे आपको अच्छे से थोड़ा बड़ा सा गर्म कर लेना है आपका कैंडल को। यहाँ पर आपको क्या करना है देख लीजिए, यहाँ पर इधर जो आपको फिक्स करना है ना, इधर आपका लॉक होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक ही बार में आपको ऐसा ठेलना है, घुमाते रहना है। ओके, ऐसा घुमाना पड़ेगा आपको, अंदर भी घूम रहा है देख लीजिए। उसके बाद यहाँ धीरे से आपको कट करना है, कैसे, धीरे धीरे घुमा घुमा के उठाना है। ओके, बस ये हो गया आपका काम, और कुछ नहीं करना है, बस छोड़ दीजिए 5 मिनट। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ,
कभी भी आप ये जो फिटिंग करते हो, मतलब ये जो आप ड्रिल हो गया वहाँ पर जो है पानी अगर आता है तुरंत मत लगाइए, 5-10 मिनट उसे दीजिए। मतलब ये जो पाइप आपका ड्रिल हुआ है इसे सूखना चाहिए, ओके। ये सूख जाएगा उसके बाद आपको करना है, और ये जो है आपका ऐसे लॉक हो जाएगा ना तो आपका और कुछ नहीं होएगा, आपका कभी भी निकलेगा नहीं। और ये जो है गर्म पानी में आपका काम नहीं करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठंडा पानी में जितना ही प्रेशर हो आपका काम कर जाएगा, और हो सके तो आप और एक बार पिघला के एक जो पाइप का टुकड़ा होता है उसे आप चिपका सकते हो, ठीक है, अगर जगह है आपके पास। बस आपका कम्प्लीटली फुल प्रेशर में हो जाएगा। और जो एक चीज़ है वो है आपका, अगर वाटर टैंक फट जाता है, मतलब जो पानी का टैंक पीवीसी टैंक है वो अगर फट जाता है तो हॉट गन के जरिए से आप क्या कर सकते हो, इसे पिघला सकते हो, और पिघला के ऐसे धीरे 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 आप ज्वाइंट कर सकते हो। इन साइड आउट साइड दोनों साइड मानना पड़ेगा, मतलब टैंक जो है ये इन साइड है और ये आउट साइड है, दोनों साइड आपको मानना पड़ेगा, आपका हो जाएगा काम। ये दो इन्फॉर्मेशन था, बाकी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं नहीं वॉइस करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।